नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमत.com और लोकमतन्यूज.in में। मैं हूं अयाज मेमन। तो T20 सीरीज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच कल शुरू होने वाला है। पहली मैच है हैदराबाद में। तीन मैच की ये सीरीज़ है, उसके बाद तीन वन डेज खेले जाएंगे। दोनों ही लिमिटेड ओवर्स टूर्नामेंट से, कोई टेस्ट मैचेस है नहीं, लेकिन दोनों ही और ख़ास करके T20 का टूर्नामेंट जो है, जो सीरीज़ जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों ही टीम्स के लिए, क्योंकि अगले साल अक्टूबर से शुरू होगा वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप, जिसमें वेस्ट इंडीज़ जो है उनका रिकॉर्ड बुरा नहीं है, लेकिन इंडिया भी चाहेगी कि अपना दावा रखे वो टाइटल जीतने के लिए। और ना भूले कि 2016 में जब वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप इंडिया में खेला गया था, भारत में खेला गया था, तब वेस्ट इंडीज़ ने भारत को सेमीफाइनल में हराया था और फिर ईडन गार्डन्स में बहुत ही एक सेंसेशनल फिनिश में इंग्लैंड को हराया था। आखिरी ओवर में ब्रेथवेट ने चार छक्के मारे थे बेन स्टोक्स की गेंदबाजी पर। तो ये मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि हालांकि फिलहाल वेस्ट इंडीज़ का रैंकिंग है नंबर 10 T20 में और भारत का है नंबर 5, लेकिन इतना अंतर शायद फील्ड पे नज़र नहीं आए। कोशिश दोनों ही टीम की रहेगी जीतने की, लेकिन जो रैंकिंग बताते हैं इतना मेरे ख्याल से अंतर नहीं होगा जितना हम समझते हैं। टेस्ट रैंकिंग में अंतर इतना बड़ा हो तो फिर हम कह सकते हैं दावे के साथ कि इंडिया फेवरेट्स है। यहाँ पर फेवरेट ज़रूर है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ उलट फेर कर सकती है। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ टीम का सवाल है, देखिए उनके पास काफ़ी यंगस्टर्स, नए कैप्टन है कायरन पोलार्ड, और ये बहुत बड़ा मूव किया वेस्ट इंडीज़ ने कि पोलार्ड को कैप्टन बनाया T20s में और ODIs में। जेसन होल्डर के ऊपर से जिम्मेदारी उठा दी, उनको टेस्ट मैच के कैप्टन रखा है। और जब इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है तो पोलार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं अपनी टीम के लिए और मेरे ख्याल से पूरी सीरीज़ के लिए। उनके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है मुंबई इंडियंस के लिए, लगातार खेलते आ रहे लगभग 10 साल से, तो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, T20 के माहिर है, स्पेशलिस्ट है। हर ग्राउंड को यहाँ पर समझते हैं इंडिया में, हर पिच को समझते हैं, सब गेंदबाजों से, सब बैट्समैन से वाकिफ है। और उनके पास अच्छी खासी यंग टीम है जिसमें क्वालिटी प्लेयर्स भी है, जेसन होल्डर भी है लेकिन कैप्टन नहीं है, हेटमायर है, शाय होप है, रॉस्टन चेस है, वगैरह वगैरह। ये सब प्लेयर्स, इनमें काबिलियत है, अब तक एकजुट होकर ज़्यादा कंसिस्टेंटली जीत नहीं पाए। और पोलार्ड की यही कोशिश होगी कि इस सीरीज़ में वो एक जो वेस्ट इंडीज़ टीम जिस चीज़ के लिए मानी जाती थी, जो फ्लेयर और फ्लैम्बॉयंस होता था, उसके अलावा वो एकजुट होकर खेलते थे, वो अगर यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर बहुत ही मजबूत बनती है वेस्ट इंडीज़ अगले साल के वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, बहुत दिलचस्प चेंजेस हैं, बहुत सी चीज़ डेवलपमेंट्स हुई है जो काफ़ी दिलचस्प मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि मोहम्मद शमी वापस आ गए इस टीम में, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव एक बार फिर से आएंगे, रविंद्र जडेजा T20 में वापस आए। ना बोले शमी और जडेजा दोनों ही T20 टीम के बाहर थे, धीरे धीरे करके उन्होंने 5-day में अच्छा फॉर्म दिखाया, फिर 1-day में, और अब T20 में भी उनकी वापस से दाखिली हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है बैट्समैन, बैटिंग का देखने का किस तरह से बैट्समैन फेयर करते हैं। शिखर धवन नहीं है इसलिए संजू सैमसन वापस आए, लेकिन ज़्यादा निगाहें होगी KL राहुल पर। क्या जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा था सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में, उनका फॉर्म बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अपनी जगह खो बैठे हैं, टेस्ट टीम से, वन डे टीम से भी शायद कंफर्म नहीं है। अब T20 में क्या वो अपनी जगह पकड़ के चल सकते हैं? उनके अलावा श्रेयस अय्यर, जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया है अब तक, जो भी कम मौका उन्हें खेलने के लिए मिला है, क्या वो अपनी जगह स्थापित कर सकते हैं इस यूनिट में? विराट कोहली की वापसी हो रही है T20 में, वो फिर से खेलेंगे, ज़बरदस्त फॉर्म में है। रोहित शर्मा, तो बड़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ज़्यादा निगाहें रहेगी श्रेयस अय्यर और KL राहुल पे, जहाँ तक स्पेशलिस्ट बैट्समैन का सवाल है, और शमी और जडेजा पे अगर उन्हें मौका मिलता है खेलने का इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। इनके अलावा, ये जो प्लेयर्स मैंने नाम लिए, इनके अलावा दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे काफ़ी सिलेक्टर जो है, अब सिलेक्शन कमेटी भी डिसॉल्व हो रही है, लेकिन हर कोई फैन भी, एक्सपर्ट भी, कैप्टन भी, टीम मैनेजमेंट भी, उनकी निगाहें काफ़ी तहनी नज़र होगी इन पर। वो है एक शिवम दुबे, दावा रखते हैं एक जेन्युइन ऑलराउंडर होने का, 26 वर्ष है, कोई 19-20 के लड़के नहीं है, एक धुआंधार बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं, बॉलिंग भी अच्छी आके कर लेते हैं। 2-3 मैचेस जो खेले उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। हार्दिक पांड्या की जगह पे उन्हें लिया गया है एज अ स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर। अब देखना है कि पहली सीरीज के बाद किस तरह से वो अपना करियर आके लेके जाते हैं, क्या उनमें वो क्षमता है टू बिकम अ जेन्युइन ऑलराउंडर, या कहीं ना कहीं, क्योंकि इस लेवल पे ओपोनेंट जो है आपको
अच्छा खासा सॉर्ट आउट कर लेते हैं वीडियोज़ देखते हुए। दूसरे जो है खिलाड़ी जिन पर काफ़ी तैनी नज़र होगी वो है ऋषभ पंत। प्रेशर में बहुत आए हैं, विकेट कीपिंग में गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी भी भरोसा रखा है उन पर चयनकर्ताओं ने भी और टीम मैनेजमेंट ने भी कि ये हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खास करके। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है अब ऋषभ पंत को कि ये जो चर्चा होती है, स्पेकुलेशन होती है, जो रूमर्स हो रहे हैं कि है या नहीं है जगह में, कि डिजर्विंग है या नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसका एक ही तरीका है कि वो अच्छे खासे रन्स बनाएं, मैचेस जिताएं और सबसे बड़ी बात अच्छी विकेट कीपिंग करें।